ऑल राइट, सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू आईएफएएस। आप सभी का स्वागत है आईएफएएस के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर कॉमुटेटर क्या होता है और किस तरीके से आप लोग कॉमुटेटर का यूज करते हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। राइट, सो आई होप कि आप लोगों ने पहले के सेशंस देख लिए होंगे। मैं दो सेशंस ऑलरेडी ले चुका हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी बातें की थी। हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि आखिर आपके पास, मैंने आपको अभी तक पढ़ा चुका हूँ, कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि आखिर एसएसए क्या होता है, यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अंदर आप लोग किस तरीके से चीज़ों को करते हो, उसको हम लोगों ने पढ़ा। तो फटाफट से आप लोग कनेक्ट कर जाइए, उसके बाद हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर कॉमुटेटर क्या होता है, या फिर आपको इस कॉमुटेटर की जो है वो जरूरत क्यों पड़ती है। राइट, तो कितने बच्चों को पता है कि आखिर कॉमुटेटर क्या है, वो मुझे बताएगा कि आखिर कॉमुटेटर क्या होता है। फटाफट से मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर, फटाफट से आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर कनेक्ट कर सकें, और फिर हम लोग अपने इस आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग काजल, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू आईएफएएस। राइट, तो 7 अप्रैल है आज, 6 बज चुके हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा था शेड्यूल के अंदर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमुटेटर्स। कॉमुटेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप लोग बात करते हो क्वांटम केमिस्ट्री से। इसका बेसिक मतलब क्या होता है, क्यों आप लोग इस चीज को पढ़ते हो, और इससे आप लोग क्या क्या चीजें निकाल सकते हो, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और कुछ फॉर्मुलेस भी आज मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ याद कराने वाला हूं कैसे आप लोग यहां पर चीजों को करते हो। राइट, सो 6 डेज 6 कॉन्सेप्ट्स सुपर 6 सीरीज का ये लेक्चर नंबर 4 है। आज है 7 अप्रैल, 6 बज चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमुटेटर्स की इस क्लास को। राइट, कॉमुटेटर की इस क्लास को हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कॉमुटेटर की, तो कॉमुटेटर को हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। तो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली आप लोग क्या करते हो, जरा उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आए कि आखिर कॉमुटेटर क्या होता है। राइट, तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप लोग क्या करते हो, और क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोग जो भी करते हो वो किस तरीके से करते हो। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स आपकी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है आपके माइक्रोस्कोपिक मैटर के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्कोपिक मैटर? मैटर जो है वो आपका दो टाइप का हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं आपके मैटर की, मैटर इज समथिंग दैट हैज सम मास एंड दैट हैज सम वॉल्यूम। राइट, अगर मैं मैटर की बात करता हूं तो मैटर वो चीज होती है जिसका कुछ मास होता है और वो स्पेस में कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। राइट, हेलो दिशा एंड गुड इवनिंग वंशिका, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो मैटर बेसिकली आपके पास दो टाइप के होते हैं। अगर आपको मैटर को क्लासिफाई करना है तो आप उसको दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो। एक आपके पास होता है मैक्रोस्कोपिक मैटर, राइट, एंड सेकंड आपके पास होता है माइक्रोस्कोपिक मैटर। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, जरा उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक मैटर वो मैटर है जिसको आप लोग नेकेड आई से देख सकते हो, यानी कि अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं इस पेन को देख सकता हूं, तो अगर मैं इस पेन को देख सकता हूं, इस पेन का कुछ मास भी है, ये स्पेस में कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मींस ये एक मैटर है। और अगर इस मैटर को मैं नेकेड आई से देख सकता हूं, दैट मींस ये क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर हो जाएगा। तो जिन चीजों को आप नेकेड आई से देख सकते हो, जो आपके पास क्या होता है, विजिबल होता है, यानी कि विजिबल बाय नेकेड आईज। किसी भी टाइप का माइक्रोस्कोप आपको यूज नहीं करना है। अगर नेकेड आईज से आप किसी चीज को देख पाते हो तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, मैक्रोस्कोपिक मैटर बोलते हो। लेकिन अगर आप किसी चीज को ना देख पाओ, विच इज नॉट विजिबल बाय नेकेड आईज, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग जनरली बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर। राइट, नॉट विजिबल बाय नेकेड आईज। तो चलिए, मैटर की क्लासिफिकेशन तो आप लोगों ने सीख ली है, मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक है वो मैटर है जिसको आप लोग नेकेड आई से देख सकते हो, जैसे कि ये पेन हो गया, आपके पास जो फोन जिससे आप लोग वीडियो देख रहे हो, फोन आपका हो गया, टीवी आप लोग देखते हो, जितनी भी चीजें आपकी सराउंडिंग के अंदर, कमरे की दीवार हो गई, घर हो गई, गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, साइकिल हो गई, कुछ भी चीज जिसको आप देख सकते हो वो बेसिकली क्या होता है, आपका मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर होता है। अदिति कह रही है हेलो, हेलो सर, गुड इवनिंग एंड शुभम कह रहे हैं,
गुड इवनिंग सर। सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS YouTube चैनल। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर को भी आज हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन पहले आपको एक आइडिया देता हूं कि आखिर आप उस टॉपिक को क्यों पढ़ते हो। तो देरा, अब आपके पास, आपने यहां पर देखा है कि आपके पास दो टाइप के मैटर है, एक है मैक्रोस्कोपिक मैटर और एक आपके पास होता है माइक्रोस्कोपिक मैटर। और आपके पास यहां पर जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई है उसके अंदर एक वर्ड है क्वांटम, और आपके पास यहां पर क्या वर्ड है, एक मैकेनिक्स वर्ड है। तो अगर आप लोग अपनी क्लास 11, 12 को याद करो या फिर क्लास 10 को याद करो, तो वहां पर आपके पास मैकेनिक्स नाम का एक चैप्टर होता था, या फिर वहां पर चैप्टर होगा काइनामेटिक्स नाम का। तो वहां पर आप लोग क्या करते थे, अगर आपके पास कोई गाड़ी मूव कर रही है, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से कि आपके पास कोई गाड़ी है, राइट, अगर ये गाड़ी मूव कर रही है, इसके पास इनिशियल कुछ वेलोसिटी होगी, लेट्स से कि आपके पास यहां पर क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, आपने इसको एक्सीलरेशन दे दिया है 2 m/s² का। तो आप चेक करना चाहते हो कि कुछ टाइम के बाद, यानी कि टाइम इज इक्विवेलेंट टू 10 मिनट के बाद, आप बोल सकते हो 10 मिनट के बाद आपकी इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये सब क्वेश्चंस आप लोग करते थे अपनी 10th क्लास के अंदर, राइट। तो आपकी गाड़ी के पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये इसका एक्सीलरेशन है, तो कुछ टाइम के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इस डिस्टेंस को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि इतने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी को आप लोग निकाल सकते हो। ऑफ कोर्स यहां पर एक्सीलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो वेलोसिटी क्या है 10 मिनट के बाद उसको आप लोग निकाल सकते हो, काफी सारी चीजों को आप लोग निकाल सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी आपका होता है मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर। ये क्या होता है भाई, मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर होता है। अब मैं इसे मैक्रोस्कोपिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप इसे नेकेड आई से देख सकते हो। अब अगर आपकी गाड़ी मूव कर रही है, मूव करते हुए आपको कुछ चीजें निकालनी होती है, मूव करते हुए आपको अगर कुछ चीजें निकालनी होती है, लेट्स से कि आपको निकालना है कि 10 मिनट के बाद वेलोसिटी क्या है, 10 मिनट के बाद आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल बोलते हो। यानी कि अगर आपका मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर मोशन के अंदर होगा, तो मोशन के अंदर होते हुए आप किन किन ऑब्जर्वेबल की वैल्यूज को निकाल सकते हो, वो आपके पास क्या होता है, वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल होता है। दिव्या कुमारी कह रही है सर नेक्स्ट ऑफर कब आने वाला है कोर्स का, जल्द ही आने वाला है, ऑफर्स आते रहते हैं IFAS के ऊपर। बाकी आप लोग यहां पर ऊपर आपके पास नंबर होगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेक्निकल टीम से प्लीज एक रिप्लाई कर दिया जाए दिव्या कुमारी को, ताकि वो हमें कॉल कर सके और बाकी सारी इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सके। दिव्या दोषी कह रहे हैं सर टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टेक्निकल टीम कि आप इन्हें कुछ मैसेज करें, ताकि आप उनको नंबर सेंड कर दें तो आप हमें कॉल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जैसा कि यहां पर आपके पास वेबसाइट आ चुकी है www.ifasonline.com। इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करो, वहां पर आपको सारे के सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ में कब टेस्ट सीरीज आने वाली है, टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलने वाले हैं, कितने टेस्ट मिलने वाले हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हाई किरण, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS। चलिए तो वापस से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर मोशन के अंदर होगा, तो आप काफी सारी चीजें निकाल सकते हो, लेकिन जरा याद करो कि आपने इन चीजों को कैसे निकाला था। क्लास 11th में, क्लास 10th में आपके पास थे न्यूटन के कुछ लॉज, आई होप कि आपको इसका नाम तो याद ही होगा, सबने न्यूटन के लॉज के बारे में तो सुना ही होगा, चाहे वो अगर किसी ने भी 10th क्लास की है तो सबने न्यूटन का नाम सुना होगा और न्यूटन के लॉज के बारे में उनको पता होगा। तो अगर आपको यहां पर इस वेलोसिटी को निकालना है, आपको यहां पर इस डिस्टेंस को निकालना है, तो आपको यूज करने पड़ते हैं न्यूटन के ये लॉज, राइट। न्यूटन के बेसिकली 3-4 लॉज होते हैं, कुछ इक्वेशंस होते हैं काइनामेटिक्स की, उनके थ्रू आप लोग यहां पर इन चीजों को निकाल सकते हो। लेकिन वो इक्वेशंस आपके पास आई कहां से, वो इक्वेशन आपको दी किसने और कैसे दी। बेसिकली अगर आपका मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर, राइट, एक बार मुझे बस पेन का कलर चेंज कर लेने ताकि आपके लिए ज्यादा विजिबल हो सके। अगर आपका मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर, राइट, अगर आपका मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर, अगर आपका मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर मोशन के अंदर होगा, राइट, मोशन के अंदर होगा, तो आपके पास कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, राइट,
जिनकी हेल्प से आप लोग काफी सारी चीजें निकाल सकते हो, जिनको मैं क्या बोलता हूँ, जिनको मैं बोलता हूँ वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल। जैसे कि आपने यहाँ पर डिस्टेंस निकाला है, आपने यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकाली है, तो ये बेसिकली क्या है, वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल है जब आपका मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर मोशन के अंदर होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि आप इस मैटर का बिहेवियर डिफाइन कर रहे हो कि इसका बिहेवियर क्या होगा जब ये मोशन के अंदर होगा। तो बेसिकली अगर आपको बिहेवियर को डिफाइन करना है, अगर आपको मैक्रोस्कोपिक स्केल के मैटर को बिहेवियर को डिफाइन करना है, तो उसके लिए आपके पास कुछ फॉर्मुलेज होते हैं। जो फॉर्मुलेज कैसे आए हैं, वो फॉर्मुलेज आपके पास आए हैं ऑब्जर्वेशन से, यानी कि ऑब्जर्वेशन की होगी काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन की होगी। जैसे कि गाड़ी को मूव करते हुए देखा होगा, गाड़ी को मूव करते बार बार देखा, नए नए फॉर्मुलेज ऑब्जर्वेशन वहां से आई, बार बार चीजों को लिखकर देखा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपके पास वो इक्वेशन आ गई, पहले बहुत सारी गलत इक्वेशन आई होगी, लेकिन बार बार ऑब्जर्व करते गए, आपके पास बाद में क्या मिल गया, आपको एक एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल गया। लेकिन ये मिला कैसे, यहां पर आपके पास क्या होती है, ऑब्जर्वेशन होती है। तो चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई। अगर मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर है तो ऑब्जर्व करना काफी इजी है, और अगर ऑब्जर्व करना इजी है तो वहां से फॉर्मुलेज को डिराइव हम लोग कर सकते हैं। इजी नहीं होता है, डिफिकल्ट होता है, काफी सारे साइंटिस्ट ने काफी साल मेहनत की है तब जाकर ये फॉर्मुलेज बनते हैं, लेकिन बन गए, राइट। लेकिन फॉर्मुले बन गए क्योंकि हम लोग यहां पर ऑब्जर्वेशन कर पाए। लेकिन अगर आपका माइक्रोस्कोपिक मैटर हो जाएगा, लेट से कि आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर माइक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर है, माइक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर है, और अगर आपका ये मैटर अब मोशन के अंदर आ जाएगा, अगर आपका ये मैटर मोशन के अंदर आ जाएगा, तो इसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास फॉर्मुलेज नहीं होते हैं, क्योंकि आप यहां पर ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाओगे। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी आपकी मूव कर रही है, तो उसको आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। विद्वान कह रहे हैं, हेलो सर, आप वही होना जो पहले यूट्यूब पे सॉलिड स्टेट पढ़ाते थे। जी हाँ, मैं वही हूँ। क्या मेरी शक्ल बदल गई है? मैं वही हूँ, राइट। तो चलिए, तो माइक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर अगर मोशन के अंदर होगा तो आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो मेरा मतलब क्या है माइक्रोस्कोपिक स्केल के मैटर का, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली आप लोग डील करते हो मॉलिक्यूल्स के बारे में, आप लोग डील करते हो एटम्स के बारे में। ना तो आप किसी एटम को देख पाते हो, ना ही आप किसी मॉलिक्यूल को देख पाते हो। तो बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स, वो एटम्स, वो इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन, वो सब क्या होते हैं, आपके माइक्रोस्कोपिक स्केल के मैटर होते हैं, और वो सब किसी ना किसी रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। क्वांटम समझ नहीं आता, क्या करूं, बिल्कुल बेसिक सी पढ़ा रहा हूं आपको आज, क्वांटम का बिल्कुल बेसिक ही पढ़ा रहा हूं। अगर माइक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर अगर मोशन के अंदर होता है तो आपके पास फॉर्मुलेज नहीं होते हैं, राइट। आपके पास फॉर्मुलेज नहीं होते हैं उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए। अब वो मोशन के अंदर है या नहीं है, आपको फील कैसे होगा, क्योंकि आप उनको देख नहीं पाते हो। तो आप सबको पता है कि हम लोग सांस लेते हैं, डेफिनेटली हम लोग ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर रहे होंगे, तो एटमॉस्फेयर के अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन गैस है, तभी हम उसको इनहेल कर पाते हैं। और अगर मैं अपने हाथ को इस तरीके से मूव करूंगा तो आपको ये फील होगा कि आप किसी चीज को यहां पर चीरते हुए आगे बढ़ रहे हो। आपको जब आप ऐसे मूव करोगे तो आपको ऐसे इधर की तरफ आपको कुछ प्रेशर फील होगा। तो वो प्रेशर क्यों फील होता है, क्योंकि आपकी सराउंडिंग्स के अंदर गैस भरी हुई है। ऑक्सीजन गैस भी हो सकती है, बहुत सारी गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वो गैस आपके सामने कुछ इस तरीके से है, और वो आपके सामने है, आप उसे देख नहीं सकते हो क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। साथ में वो बहुत तेज स्पीड से मूव भी कर रही होती है, राइट। वो क्या कर रही होती है, बहुत स्पीड से मूव भी कर रही होती है। यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर जनरली क्या होता है, मोशन के अंदर ही होता है। और उस मोशन के अंदर अगर आपको चीजों को डिफाइन करना है तो उसके लिए आपके पास क्या है, फॉर्मुलेज तो नहीं है, क्योंकि फॉर्मुलेज तो बनते हैं ऑब्जर्वेशन से। तो फिर आपके पास क्या है, अगर फॉर्मुलेज नहीं है, दैट मींस हम लोग वी कांट अप्लाई, राइट, मैं लिख देता हूं, we can't apply the formulas that we used in determining the behavior
ऑफ मैक्रोस्कोपिक मैटर व्हेन इट इज इन मोशन, राइट। तो जैसे हमारे पास फॉर्मुलेस थे, मैक्रोस्कोपिक मैटर आपका मोशन के अंदर होगा, हमारे पास फॉर्मुलेस थे, बट हम उन फॉर्मुलेस को अप्लाई नहीं कर सकते, वी कांट अप्लाई द फॉर्मुलाज ऑन, यू कैन से ऑन ऑन द मोशन ऑफ, ऑन द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैटर। इनके मोशन के ऊपर हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। जब आपका माइक्रोस्कोपिक मैटर क्या होगा, मोशन के अंदर होगा, जो हम लोग यूज कर पा रहे थे मैक्रोस्कोपिक स्केल के मैटर के लिए। तो इसीलिए ही आपको जरूरत पड़ती है एक नई ब्रांच की, क्वांटम केमिस्ट्री की ब्रांच की, और क्वांटम मैकेनिक्स ने सारा खेल ही बदल दिया, राइट, सारा खेल ही बदल दिया। सर कहीं से सुना है नॉर्मल मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं होती है क्वांटम में, क्या ये सच बात है? भाई क्वांटम केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्सटेंस, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सब कुछ आपको समझना ही पड़ता है। संगीता कह रहे हैं गुड इवनिंग, सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS, राइट। ऑफलाइन में भी आप पढ़ाते हो क्या सर? बिल्कुल, हम यहाँ पर पुणे के अंदर है तो हम हर जगह हैं, अगर आपको आना है आप हमें कॉल कर सकते हो, कॉल कर आप बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वहां से गेन कर सकते हो, राइट। तो अगर हमारे पास फॉर्मुलेज नहीं है तो फिर क्या है, क्या है क्वांटम केमिस्ट्री के पास, क्वांटम मैकेनिक्स के पास ऐसा क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम केमिस्ट्री सेम ही बात है, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप बस एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डील करते हो, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स सारे ही टाइप के क्वांटम पार्टिकल के बारे में डील करती है। और क्वांटम वर्ड का मतलब क्या है? क्वांटम वर्ड का मतलब है वो मैटर जो कि क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्केल का है, राइट। तो अगर मैं इस टॉपिक को दोबारा से लिख देता हूं क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये अपने आप में ही काफी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा है, राइट, काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन, राइट, राइट, मोशन होता है, और क्वांटम का मतलब होता है बहुत ही छोटा पार्टिकल, आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो एज ए माइक्रोस्कोपिक मैटर, राइट, माइक्रोस्कोपिक मैटर। तो जब माइक्रोस्कोपिक मैटर आपका मोशन के अंदर होता है तो वो काफी सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए आपकी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो आपकी काफी सारी हेल्प करती है। और वो कैसे हेल्प करती है, जरा उसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। और वो कैसे हेल्प करती है, क्वांटम मैकेनिक्स के पास क्या होता है भाई, क्वांटम मैकेनिक्स के पास होता है वेव फंक्शन, राइट, और क्वांटम मैकेनिक्स के पास होता है ऑपरेटर, यानी कि पूरी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप लोग, पूरी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप लोग ऑपरेटर्स और वेव फंक्शन की हेल्प से सारी की सारी चीजें निकालने वाले हो। तो क्या होता है वेव फंक्शन, क्या होता है ऑपरेटर, कैसे अप्लाई करते हो, उन सब चीजों के बारे में ही हम लोग आज के इस सेशन के अंदर बात करेंगे। राज कह रहे हैं सर आपकी AIR रैंक कितनी थी गेट में और नेट में, क्या करोगे आप जानकर, कॉन्सेप्ट तो सीख लो पहले, कॉन्सेप्ट तो जरा सीख लो पहले, राइट। तो आपके पास यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स है, मेरी रैंक से आपको क्या मिलेगा, आपको आपकी रैंक इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आप ये सोचो कि आपकी कितनी रैंक आनी चाहिए, आपको कितनी रैंक चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे, कैसे करोगे। डायनामिक्स मतलब मोशन होता है, तो क्वांटम डायनामिक्स भी होती है क्या सर, क्या बात कर रहे हो सर, चलिए बात करेंगे उसके बारे में बाकी, कि आखिर डायनामिक्स क्या होता है और मैकेनिक्स क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कि आखिर क्वांटम मैकेनिक्स के पास ऐसा क्या है जिससे वो माइक्रोस्कोपिक मैटर के मोशन के भी, मोशन जब आपका ये वाला मैटर मोशन के अंदर होगा तो उसके बिहेवियर को डिफाइन कर पाता है। इसके पास वेव फंक्शन होता है और इसके पास ऑपरेटर होता है। आपके पास जो मोशंस होते हैं, आपका जो माइक्रोस्कोपिक मैटर है भाई, आपका जो माइक्रोस्कोपिक मैटर है वो चार टाइप के मोशंस को शो कर सकता है। पहला मोशन आपके पास यहां पर होता है ट्रांसलेशनल, दूसरा आपके पास यहां पर होता है वाइब्रेशन, तीसरा आपके पास यहां पर हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोशन। चलिए पहले हम लोग लिखते हैं रोटेशन को, इलेक्ट्रॉनिक को बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग लिख देते हैं रोटेशन को, और फिर आपके पास यहां पर क्या होता है लास्ट में, इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है। तो बेसिकली आपके पास यहां पर चार टाइप के मोशंस होते हैं। अगर आपका माइक्रोस्कोपिक मैटर है तो वो चार टाइप के मोशंस को शो कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर है, जैसे कि आपके पास ये पेन है, तो मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर सिर्फ तीन ही टाइप के मोशन को शो करता है, वो शो करता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन को। अगर मैं बात करता हूं मैक्रोस्कोपिक स्केल के मैटर की, तो मैक्रोस्कोपिक स्केल के मैटर में आपको लिख देता हूं यहां पर
जो आपका माइक्रोस्कोप स्केल का मैटर होता है वो तीन टाइप के मोशन करेगा, वो ट्रांसलेशन को शो कर रहा होता है, वो रोटेशन को शो कर रहा होता है और वो वाइब्रेशन को शो कर रहा होता है, जिनको आप लोग जनरली ऑब्जर्व कर सकते हो, जिनको आप लोग जनरली ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी नेकेड आई से भी, राइट। तो तीन टाइप के मोशन शो करता है माइक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर, लेकिन जैसे ही आप लोग पहुंचते हो माइक्रोस्कोपिक स्केल के मैटर के अंदर, वहां पर आपके पास एक मोशन अलग से जुड़ जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर मतलब क्या, एटम्स, एटम्स में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, वो एनर्जी को गेन करने के बाद एक सेल से दूसरी सेल के अंदर भी जा सकता है, तो इस मोशन को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोशन बोलते हो, इसको भी आपको अलग से स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। तो ये तीन टाइप के मोशन आपके पास होते हैं मैक्रोस्कोपिक में, लेकिन माइक्रोस्कोपिक के अंदर आपके पास क्या होते हैं, चार टाइप के मोशन होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्वांटम केमिस्ट्री में आप इन चार टाइप के मोशंस को कैसे पढ़ते हो, राइट। आपके पास पहले है ट्रांसलेशन मोशन, तो इसको पढ़ने के लिए आपके पास एक मॉडल होता है, आपको एक मॉडल दिया गया है जो कि आपका होता है पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल, राइट, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल। इस मॉडल की हेल्प से जब आपका माइक्रोस्कोपिक मैटर, देखिए जब आपका माइक्रोस्कोपिक मैटर किसी भी मोशन के अंदर होगा तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, उसके पास एक ड्यूअल नेचर होता है। अगर आपके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है और वो मोशन के अंदर भी है तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, और अगर वो वेव की तरह बिहेव करता है तो डेफिनेटली उसके पास क्या होगा, एक वेव फंक्शन भी होगा, और उसी वेव फंक्शन को हम लोग यहाँ पर निकाल रहे होते हैं। अगर आपका पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन के अंदर है तो पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल का यूज कर मैं निकाल लेता हूं उसके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, राइट, मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन निकाल लेता हूं। अगर आपका पार्टिकल रोटेशन मोशन के अंदर है तो आपके पास एक मॉडल होता है रिजिड रोटर मॉडल, राइट, मैं इस मॉडल का यूज करूंगा, मैं इस मॉडल का यूज करूंगा और रोटेशन के टाइम के ऊपर मैं क्या निकाल लूंगा, उसके फंक्शन को निकाल लूंगा, राइट। अगर आपके पास यहां पर होता है वाइब्रेशन मोशन, राइट, वाइब्रेशन मोशन आपके पास होता है तो आपके पास मॉडल होता है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, जिसको हम जनरली SHO से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से मैं निकाल लेता हूं साई वाइब्रेशन भी, राइट, मैं निकाल लेता हूं साई वाइब्रेशन भी। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है तो आपके पास एक मॉडल होता है हाइड्रोजन एटम का, जिससे आप क्या निकाल पाते हो, जिससे आप निकाल पाते हो अपने साई निकाल पाते हो इलेक्ट्रॉनिक मोशन के दौरान, यानी कि आपके पास जो 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन रहता है वो आप लोग यहां पर निकाल लेते हो, राइट। तो दिशेन कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, सर मुझे भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है IFAS से, तो कॉल कीजिए आप, जैसा कि आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया होगा 9172266888, कॉल कीजिए, या फिर आपको कोई और भी क्वेरी है तो वो भी आपके पास वहां पर समझ जाएंगे। राज कह रहे हैं सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड दिशान कह रहे हैं CSIR नेट दिसंबर 2022 के लिए मिल जाएगा, जी बिल्कुल, आप बस कॉल कीजिए, आपकी सारी की सारी क्वेरीज वहां पर सोल्व हो जाएंगी। तो माइक्रोस्कोपिक मैटर जनरली चार टाइप के मोशन को शो करता है, और इन चार टाइप के मोशन को हम लोग पढ़ते हैं चार टाइप के मॉडल के थ्रू, और जब भी आपका माइक्रोस्कोपिक मैटर मोशन के अंदर होगा तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, तो उसके पास एक वेव फंक्शन होगा, तो ये मॉडल्स हेल्प करते हैं, ये मॉडल हेल्प करते हैं उस वेव फंक्शन को निकालने के लिए, राइट, ये मॉडल हेल्प करते हैं उस वेव फंक्शन को निकालने के लिए। तो चलिए वेव फंक्शन तो आ गए हैं, उसके बाद आपने सुना ही होगा कि क्वांटम केमिस्ट्री में आपके पास क्या होता है, आपके पास होते हैं 6 पोस्टुलेट, राइट, क्वांटम केमिस्ट्री में होते हैं आपके पास क्या, क्वांटम केमिस्ट्री में आपके पास क्या होते हैं भाई, 6 पोस्टुलेट होते हैं। आई होप सबने ये चीज सुनी होगी, जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर कि आप लोगों ने 6 पोस्टुलेट कभी पढ़े हैं क्वांटम केमिस्ट्री के, कितने बच्चों ने 6 पोस्टुलेट पढ़े हैं क्वांटम केमिस्ट्री के। दिशेन बंजारा कह रहे हैं मैंने कॉल किया था सर आज बट किसी ने रिसीव नहीं किया, डोंट वरी आपको वापस से कॉल बैक आ जाएगी, अगर किसी ने रिसीव नहीं किया है तो आपके पास वापस से कॉल बैक आ जाएगी, या फिर जैसा कि आपके पास वहां पर वेबसाइट का लिंक आ गया है www.ifas.ifasonline.com, आप उस वेबसाइट के ऊपर जाकर भी चीजों को कर सकते हो। सर बोर्न ओपन हेयर अप्रोक्सीमेशन में हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉनिक मोशन कंसिडर करते हैं तो क्या आप BOA पढ़ाओगे क्या, बिल्कुल पढ़ाएंगे, जो भी आपको चाहिए वो सब पढ़ाएंगे, और ये तो आपके सिलेबस के अंदर है, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कम्यूटेटर्स की, कम्यूटेटर्स आप लोग क्यों पढ़ते हो, कम्यूटेटर्स आप लोग क्यों पढ़ते हो, उसके ऊपर आज ये सेशन होने वाला है। कम्यूटेटर्स के फॉर्मूले तो सबको याद होते हैं, राइट, फॉर्मूले तो सबको याद होते हैं, लेकिन उसको पढ़ते क्यों हो, उसको क्यों पढ़ते हो आप लोग, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर 6 पोस्टुलेट्स होते हैं, क्या आपने कभी सुना है कि आपके पास ये 6 पोस्टुलेट हैं, कितने बच्चों ने इन 6 पोस्टुलेट को पढ़ा है और समझा है, पढ़ा तो सबने होगा, पर क्या कभी किसी ने इन 6 पोस्टुलेट को
समझा भी है कि आखिर ये पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं। भाई इन पोस्टुलेट्स के अंदर से एक पोस्टुलेट ऐसा है जिसके अंदर आपको ऑपरेटर्स गिवन है, राइट। एक पोस्टुलेट ऐसा है जिसके अंदर आपको क्या गिवन है, ऑपरेटर्स गिवन है। अब ऑपरेटर्स किस चीज के गिवन है भाई, ऑपरेटर आपको गिवन है हर एक चीज के, हर एक चीज के। अगर आपको माइक्रोस्कोपिक मैटर मोशन के अंदर है और आपको उसकी पोजीशन निकालनी है तो आपको पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग क्या गिवन है, आपको ऑपरेटर गिवन है। अगर आपका वो मोशन के अंदर है, आपको मोमेंटम निकालना है तो आपको मोमेंटम के कोरस्पॉन्डिंग क्या गिवन है, ऑपरेटर गिवन है, राइट। आपको क्या गिवन है, ऑपरेटर गिवन है। उसके बाद अगर आपका वो माइक्रोस्कोपिक मैटर का आपको एनर्जी निकालनी है तो आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, एनर्जी का भी आपको ऑपरेटर गिवन है। और एनर्जी का के अंदर आपको काइनेटिक एनर्जी का भी गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी का भी गिवन है, और टोटल एनर्जी का भी आपको ऑपरेटर गिवन है। तो जो भी चीजें आपको निकालनी होती है उन सभी के ऑपरेटर्स आपको ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। कम्यूटेटर्स मतलब क्या है सर, डेफिनेशन, अभी वहां तक पहुंच रहे हैं, डेफिनेशन को ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कम्यूटेटर की डेफिनेशन क्या है, राइट। तो ऑपरेटर आपको गिवन है वन इन द पोस्टुलेट के अंदर, एक ना एक पोस्टुलेट में आपको ऑपरेटर गिवन है। उस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि अगर आपका माइक्रोस्कोपिक मैटर मोशन के अंदर है, आपको निकालनी है पोजिशन, तो पोजिशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक ऑपरेटर गिवन है। अगर आपको निकालना है मोमेंटम, तो मोमेंटम के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक ऑपरेटर गिवन है। अगर आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, तो उसके रिगार्डिंग आपको ऑपरेटर गिवन है। अगर आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास ऑपरेटर गिवन है। अब जरा समझते हैं कि आखिर आपने अभी तक क्या किया, आपने अभी तक क्या किया क्वांटम केमिस्ट्री में, क्वांटम केमिस्ट्री में आप या फिर बोल सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स में, मैं लिख रहा हूं क्वांटम केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री, राइट। तो क्वांटम केमिस्ट्री में हम अभी तक बोल चुके हैं कि आपके पास क्या होता है, आपके पास होते हैं ऑब्जर्वेबल्स जिनकी वैल्यू को आपको निकालना होता है। ऑब्जर्वेबल आपके पास हो सकते हैं बहुत सारे टाइप के, आपके पास पोजिशन हो सकता है, आपके पास मोमेंटम हो सकता है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, और आपके पास टोटल एनर्जी हो सकता है। तो इनको निकालेंगे कैसे, इनको निकालेंगे कैसे, इनको निकालने के लिए आपको ऑपरेटर गिवन है, आपको गिवन है, आपको ऑपरेटर गिवन है। पोजिशन के कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन का ऑपरेटर गिवन है, मोमेंटम के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, तो पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है। तो इसके आपको यहां पर भी ऑपरेटर गिवन है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर भी आपको ऑपरेटर गिवन है, यहां पर भी आपको ऑपरेटर गिवन है, काइनेटिक एनर्जी का भी ऑपरेटर गिवन है, यहां पर भी आपको क्या गिवन है, आपको ऑपरेटर गिवन है। अब अगर कोई माइक्रोस्कोपिक मैटर मोशन के अंदर है और आपको निकालनी है पोजीशन, तो कैसे निकालोगे, पोजीशन का ऑपरेटर आप अपने फंक्शन के ऊपर लगा दो। फंक्शन कौन सा, अगर आपका माइक्रोस्कोपिक मैटर, अगर आपका माइक्रोस्कोपिक मैटर ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर है, ट्रांसलेशन मोशन के अंदर है, तो ट्रांसलेशन मोशन का फंक्शन आपको यहां पर लगाना पड़ेगा, अपने ऑपरेटर को आपको इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करो, आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास यहां से पोजीशन निकल जाएगी, एज सिंपल एज दैट, राइट, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपके पास फॉर्मुलेज होते हैं जिससे आप वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वर को निकाल पाते हो, वैसे ही आपके पास यहां पर क्या होते हैं, ऑपरेटर होता है और वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन निकालने के लिए आपके पास यहां पर होते हैं चार मॉडल। अगर आपका मोशन ट्रांसलेशन है तो निकाल पाओगे, रोटेशन है तो निकाल पाओगे, वाइब्रेशन है तो निकाल पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक है तो निकाल पाओगे, और इतने ही टाइप के आपके पास मोशन होते हैं। यहां से निकालते हो आप लोग वेव फंक्शन, ऑपरेटर आपको पहले से गिवन है, तो ऑपरेटर को मोशन के वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करो और अपनी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल को निकाल लो। इस तरीके से आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर काम करते हो। बोलो कि आपको समझ में आया कि समझ में नहीं आया। राज कह रहे हैं ऑपरेटर और फंक्शन में क्या रिलेशन है, रिलेशन कुछ नहीं है, ऑपरेटर ऑपरेटर होता है, फंक्शन फंक्शन होता है। जब आप लोग पढ़ोगे क्वांटम केमिस्ट्री तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ऑपरेटर क्या है। जैसे कि पोजीशन का ऑपरेटर होता है एक्स ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर आपके पास क्या होता है, माइनस का आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स, राइट। फंक्शन आपके पास यहां पर हो सकता है कुछ भी, जैसे कि बात करता हूं मैं साई ट्रांसलेशनल, अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास साई ट्रांसलेशन का फंक्शन क्या होता है, तो वो आपका होता है अंडर रूट टू बाय एल साइन एन पाई एक्स बाय एल, ये आपका होता है फंक्शन ट्रांसलेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग। तो अगर आपके पास कोई क्वांटम पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन के अंदर है और आपको उसकी एनर्जी को निकालना है, तो एनर्जी का ऑपरेटर आपके पास यहां पर होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो आपको इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर लगाना पड़ेगा, आपके पास क्या निकल जाएगा, यहां पर एनर्जी निकल जाएगी। ये तरीका होता है निकालने का। आगे की चीजें और भी आपको पढ़नी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, आइगन वैल्यूज क्या होता है, बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर आगे का प्रोसेस आप लोग किस तरीके से करते हो, राइट।
आगे का प्रोसेस आप लोग किस तरीके से करते हो, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कमोटेटर्स की, कि आपको कमोटेटर की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है। समझ में आ गया सर, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्या आपने भी IFAS से कोचिंग ली थी क्या? चलिए, अगर IFAS से मैंने कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन IFAS के अंदर रहकर मैं काफी सारी चीजें सीख रहा हूं, तो वहीं से हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। चलिए, तो अब आपके पास यहां पर क्या है, ऑब्जर्वेबल है, एक्स का ऑपरेटर, आपके पास पोजीशन का ऑपरेटर भी है, मोमेंटम का भी है, पोटेंशियल का भी है, काइनेटिक एनर्जी का भी है और टोटल एनर्जी का भी है। तो अभी तक मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, राइट, इनके कोरस्पोंडिंग आपके पास क्या है, ऑपरेटर है, राइट। जो मोशन है इसके कोरस्पोंडिंग आपके पास यहां पर क्या है, वेव फंक्शन है। तो ऑपरेटर को वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करो और अपने ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को निकाल लो। जरूरत क्या है आपको कम्यूटेटर की, आखिर ये कम्यूटेटर होता ही क्या है, ये समझ नहीं आया मुझे। तो कम्यूटेटर की जरूरत आपको पड़ती है, अब जरा मैं आपको जो बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनना कि आखिर कम्यूटेटर की आपको जरूरत क्यों पड़ती है। लेट्स से कि आपके पास क्या है, बहुत सारे ऑब्जर्वेबल हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि सिर्फ पोजीशन है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो लेट्स से कि आपके पास क्या है, एक आपके पास ऑब्जर्वेबल है, बी आपके पास कोई ऑब्जर्वेबल है, सी आपके पास कोई ऑब्जर्वेबल है, डी आपके पास कोई ऑब्जर्वेबल है, ई भी है, एफ भी है, आपके पास क्या है, बहुत सारे ऑब्जर्वेबल हैं, और इन सभी ऑब्जर्वेबल कोरस्पॉन्डिंग आपके पास कोई ना कोई ऑपरेटर भी होगा, राइट, कोई ना कोई ऑपरेटर भी होगा। तो लेट से कि आपके पास यहां पर क्या है, ए ऑपरेटर है, यहां पर क्या है, बी ऑपरेटर है, यहां पर क्या है, सी ऑपरेटर है, यहां पर क्या है, डी ऑपरेटर है, यहां पर क्या है, ई ऑपरेटर है, यहां पर क्या है, एफ ऑपरेटर है। यानी कि इस ऑपरेटर के कोरस्पोंडिंग, अगर आपको इस ऑपरेटर के कोरस्पोंडिंग आपको ऑपरेटर चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा ए कैप, राइट, आपको लगाना पड़ेगा ए कैप। राज कह रहे हैं पुणे कहां आता है सर, गूगल मैप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से गूगल मैप को डाउनलोड करो, एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगी, और सिर्फ पुणे ही क्यों, पूरा डालो IFAS कोचिंग पुणे, आपके पास पूरी लोकेशन आ जाएगी, राइट। तो आप लोग यहां तक पहुंच जाओगे। तो हर एक ऑब्जर्वेबल कोरस्पोंडिंग आपके पास यहां पर क्या है, ऑपरेटर है। अब अगर मुझे कोई माइक्रोस्कोपिक मैटर है जो कि अब मान लो ट्रांजिशन मोशन के अंदर है, तो चलिए मैंने क्या निकाल लिया, मैंने फंक्शन को तो निकाल लिया, राइट, मैंने फंक्शन को निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ मॉडल जो कि आपको गिवन है, राइट। इसकी हेल्प से मैंने क्या कर लिया है, फंक्शन को तो मैंने निकाल लिया है, निकाल लिया फंक्शन को। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मुझे ए के ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, इसको अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगी, ए की वैल्यू निकल जाएगी, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो मैं इसके ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी, चलिए समझ में आ गया। अगर मुझे सी चाहिए तो मैं इसके ऑपरेटर को अप्लाई करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर सी की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसको अप्लाई करूंगा, मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे सारे वैल्यू ऑपरेटर को निकालना पड़ेगा तो मेरे को सारे ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई कर निकाल कर देखना पड़ेगा। लेकिन आपने एक चीज सुनी होगी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कहता है कि आप वेलोसिटी को, आप पोजिशन को और मोमेंटम को एक साथ नहीं निकाल सकते। तो क्वांटम केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप निकाल सकते हो और किस चीज को आप लोग नहीं निकाल सकते हो, यानी कि दो चीजों को आप एक साथ नहीं निकाल सकते हो, जैसे कि पोजिशन को और मोमेंटम को आप एक साथ नहीं निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम पोजिशन का ऑपरेटर भी अप्लाई करके देखेंगे और फिर हम लोग मोमेंटम का भी करके देखेंगे, दोनों करके देखेंगे, टाइम को वेस्ट करेंगे जिनके अंदर से हम एक को निकाल नहीं पाएंगे, तो फिर हमारे पास यहां पर क्या होने वाला है, टाइम ही हमारा वेस्ट होने वाला है। तो उस टाइम को बचाने के लिए ही जन्म होता है कम्यूटेटर्स का, राइट, उस टाइम को बचाने के लिए ही जन्म होता है कम्यूटेटर्स का। और ये कहता है कि अगर आपको बस पता करना है कि क्या आप यहां पर इस ए ऑब्जर्वेबल को और इस बी ऑब्जर्वेबल को निकाल सकते हो क्या नहीं निकाल सकते हो एक साथ, तो बस एक चीज चेक कर लो, आपके पास जो यहां पर ये दो ऑपरेटर हैं, आपके पास यहां पर जो ये दो ऑपरेटर हैं, इन दोनों ऑपरेटर का कम्यूटेटर चेक कर लो, इन दोनों ऑपरेटर का कम्यूटेटर चेक कर लो। अगर ये आपके पास जीरो निकल कर आ जाता है तभी मैं इन दोनों के कोरस्पोंडिंग जो ऑब्जर्वेबल है उनको निकाल पाऊंगा, वरना मैं नहीं निकाल पाऊंगा। और कम्यूटेटर चेक करना बहुत ही आसान है क्योंकि ऑपरेटर तो आपके पास होते ही हैं। अगर ऑपरेटर आपके पास होते हैं तो कम्यूटेटर चेक करना बहुत आसान है, जिनके फॉर्मुलेस तो आपको याद होते ही है। लेकिन आई होप कि आपको आज समझ आया होगा कि आखिर कम्यूटेटर को आप लोग पढ़ते क्यों हो, राइट। क्या आप PYQ भी लोगे क्या सर क्लास के साथ, जरूर लेंगे, PYQ का एक सेशन करेंगे अलग से अगर आप कहोगे तो।
क्वांटम से डर लगता है सर, डरने की तो चीज है ही नहीं, सबसे इजी टॉपिक अगर केमिस्ट्री के अंदर कोई है तो वो है क्वांटम केमिस्ट्री। किस चीज से डर लगता है आपको, टॉपिक का नाम बताओ। जिस चीज से आपको डर लगता है उस चीज के ऊपर सेशन रख दिया जाएगा और आपके डर को भगा दिया जाएगा, राइट। चलिए, तो आपके पास मैंने यहां पर कुछ सिंबल बनाया है, जैसे कि अगर आपको इन दो ऑपरेटर का कम्यूटेटर चेक करना है तो कम्यूटेटर को हम लोग जनरली क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेटर को लिखते हैं यहां पर और यहां पर, और ये क्या होता है आपके पास, इस तरीके से आप लोग क्या करने वाले हो, कम्यूटेटर को रिप्रेजेंट करने वाले हो। अब कम्यूटेटर बेसिकली क्या होता है, क्या आप लोग इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? नहीं, फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे हो, पहले भी आप लोग इसको पढ़ चुके हो। जैसे कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, आपके पास कम्यूटेटर ही होता है, लेकिन पहले सीखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, कैसे आप इसको एक्सपेंड कर लेते हो, अगर आपके पास लिखा होगा कहीं भी। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले जब ये आया गया था बता देता हूँ आपको मैं, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कम्यूटेटर क्या होता है, तो कम्यूटेटर के ऊपर आपको क्वेश्चंस भी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर, राइट। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है IFAS की एप्लीकेशन के ऊपर, राइट। आपको IFAS की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक पेज आ जाएगा, जिस पेज के अंदर लिखा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे कि आपको यहाँ पर यूजर नेम को फिल करना है और फिर आपको पासवर्ड को फिल करना है। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो IFAS की एप्लीकेशन के ऊपर, तो डेफिनेटली आपके पास ये यूजर नेम और पासवर्ड तो नहीं होगा, तो फिर कैसे क्रिएट करें, डरने की जरूरत नहीं है, राइट। इफ यू डोंट हैव अकाउंट तो आप यहाँ पर इस पे क्लिक कर आप लोग हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास यहां पर आ जाएंगे एक रजिस्ट्रेशन पेज। राज पूछ रहे हैं फ्री में अवेलेबल है क्या सर क्वेश्चंस, बिल्कुल, सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं अवेलेबल है, साथ में उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, राइट। उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, कैसे आप उस कॉन्टेस्ट को खेल सकते हो, कैसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे आप वीडियो सॉल्यूशंस को देख सकते हो, उसके बारे में ही मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, राइट। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आपको भरना पड़ेगा पहले अपना फर्स्ट नेम, फिर भरना पड़ेगा लास्ट नेम, और उसके बाद आप यूजर नेम को और पासवर्ड को खुद से क्रिएट कर सकते हो, राइट। उसको क्रिएट कर सकते हो, जो आपका मन करे वो आप यूजर नेम रख सकते हो, पासवर्ड आप लोग रख सकते हो। उसके बाद इसको क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर वापस से इस यूजर नेम को और पासवर्ड को फिल करना है और आपको करना है यहाँ पर साइन इन। जैसे ही आप साइन इन करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट पेज आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। तो यहाँ पर काफी सारे आपके पास यहाँ पर एग्जाम्स है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्स लिखे हुए हैं। आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकल साइंस का एग्जाम, आई होप कि आप यहाँ पर स्क्रीन को देख पा रहे हो, क्या स्क्रीन विजिबल है, क्या यहाँ पर आप स्क्रीन को देख पा रहे हो, जल्दी से मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर, क्या आप यहाँ पर स्क्रीन को देख पा रहे हो। तो आपके पास यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्स है, केमिकल साइंस का एग्जाम है, CSIR, नेट, गेट, सेट, टीफर, बार्क। तो YouTube के ऊपर जितने भी सेशंस होते हैं IFAS के, राइट, उन सभी सेशन के कोरस्पोंडिंग आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, वो भी फ्री में, लेकिन उनको खेलने के लिए आपको यहाँ पर इन चीजों करना पड़ेगा। केमिकल साइंस है, CSIR, नेट, गेट, सेट, टीफर, बार्क, राइट। उसके बाद लाइफ साइंस भी है, मैथमेटिकल साइंस भी है, फिजिकल साइंस भी है। तो IFAS सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर ही नहीं है, बाकी सब ब्रांचेस के अंदर भी है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड है जो किसी और ब्रांच के अंदर है तो आप उनको बता सकते हो कि आपके लिए लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस के कॉन्टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप खेल सकते हो इनको भी, राइट। तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल साइंस, तो आपको यहाँ पर इसको चूज करना है। लेकिन आपके पास जो IIT जैम के रिगार्डिंग सेशन आते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको कॉन्टेस्ट मिलने वाले हैं इस वाले ऑप्शन के अंदर, जो आपको मिलेगा यहाँ पर लास्ट में, MSc एंट्रेंस केमिस्ट्री IIT जैम टीफर DU BHU JNU। तो अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो CSIR, नेट, गेट, सेट, टीफर, बार्क, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर काफी सारे बैचेस आ जाएंगे। अगर आपने कोई कोर्स परचेज किया होगा तो आपके पास वो कोर्स यहाँ पर आएगा ऊपर, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आपके लिए बहुत सारी चीजें फ्री कोर्सेज के अंदर भी अवेलेबल है। आपको चूज करना पड़ेगा पहले यहाँ पर CSIR, नेट, केमिकल साइंस, CSIR, नेट, केमिकल साइंस। सर आपने टीपर भी क्वालिफाई किया है क्या, क्या फर्क पड़ता है कि मैंने क्या चीज क्वालिफाई की है क्या नहीं की है? जो चीज डिपेंड करती है वो ये है कि आप क्या क्वालिफाई करने वाले हो। हम यहाँ पर आपको क्वालिफाई कराने के लिए हैं, हम लोग खुद क्वालिफाई करने के लिए नहीं है, राइट। तो आप अपने ऊपर फोकस करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। मेहनत करो, डेफिनेटली कर पाओगे और जहां पर हमें वहां तक पहुंच पाओगे, राइट। तो ये क्या है आपके पास CSIR, नेट, केमिकल साइंस का आपको यहां पर चूज करना है। जैसे ही आप यहां पर चूज करोगे तो आपके पास यहां पर इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज। आपको इसके ऊपर चूज करना है फ्री टेस्ट सीरीज, राइट। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, फ्री टेस्ट सीरीज के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जैसा कि आपको बताया कि IFAS के यूट्यूब के चैनल के ऊपर सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री ही नहीं, ऑर्गेनिक भी आती है, इनऑर्गेनिक भी होती है। तो जिस भी ब्रांच का आपका सेशन है उस ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग आपको कॉन्टेस्ट वहां पर देखने को मिल जाएगा, ऑर्गेनिक का भी, इनऑर्गेनिक का भी और फिजिकल का भी। तो जैसे कि लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, तो आपको इसको चूज करना है, राइट। जैसे ही आप इसको चूज करोगे तो आपको चूज करना है कि किस सीरीज चल रही है। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है सुपर सिक्स, राइट। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सुपर सिक्स सीरीज का, वहां पर जाकर आप आज के सेशन के अंदर यानी कॉम्यूटेटर के अंदर जाकर आप लोग वहां पर चीजों को सीख सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ जाएंगे कि जो कॉन्टेस्ट मैंने आपको दिया है एज ए टेस्ट, उसको आपको किस तरीके से खेलना है और उसका पैटर्न क्या होता है, राइट। उसका पैटर्न क्या होता है, करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे +2 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए आपको मिलने वाले हैं -0.5 मार्क्स। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो पैटर्न आपका एग्जाम का होता है वही पैटर्न आपको यहाँ पर फॉलो करना है, राइट। राज क्या है, राइट सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू, लेकिन आपसे आगे निकलना है जी, कुछ भी करके आगे निकलने के लिए पहले बराबर तो आना पड़ेगा, राइट। तो पहले मेहनत कीजिए, काफी सारी चीज कीजिए, आगे नहीं बहुत आगे जाओगे, डेफिनेटली जाओगे, मैं भी यही चाहता हूँ, राइट। उसीलिए आपके सेशन यहाँ पर आपके लिए ले रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर इसको स्टार्ट करना है, जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस को आपको करना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप क्या करोगे, सेशन तो खत्म हो गया लेकिन आपका डाउट रह जाएगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आपको यहां पर मिलता है प्री वीडियो सॉल्यूशन, राइट, प्री वीडियो सॉल्यूशन। तो बेसिकली ये जो है वो आपका एक्सटेंशन है हमारे यूट्यूब सेशन का। YouTube के ऊपर हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये जो वीडियो आपको मिलने वाली है ये एक्सटेंशन होने वाला है इसी सेशन का। तो कॉन्टेस्ट को जरूर पार्टिसिपेट करें, कॉन्टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस को जरूर खेलें, तभी आपको सारी की सारी चीजें जो है वो समझ में आएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कम्यूटेटर का हम लोग यूज क्यों करते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर हम लोग कम्यूटेटर को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। तो अगर आपके पास ए ऑपरेटर होता है, बी ऑपरेटर होता है, तो इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, राइट। इसको हम लोग इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। उसके बाद इस कम्यूटेटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और सेशन के अंदर। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों ने काफी सारी चीजें यहाँ पर समझ ली होंगी और बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ये सेशन। राज कह रहे हैं डाउट पोर्टल भी है क्या सर, बिल्कुल है, आपको जो भी डाउट आता है आपको जस्ट IFAS को साथ आपको डाउट को सॉल्व करना है, दैट्स इट, आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि आखिर आपको आज के लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट है, अगर कोई भी डाउट है तो हम लोग डाउट लेते हैं, वरना फिर मैं आपसे मिलूंगा कल के सेशन के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई चीजों के साथ, और फिर से मैं लेकर आऊंगा आपके लिए एक नया कॉन्टेस्ट जिनको खेलकर आप काफी सारे प्राइजेस भी जीत सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइजेस, प्राइजेस मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं बार बार बोल रहा हूं कॉन्टेस्ट को खेलना है, कॉन्टेस्ट को खेलना है। तो खेलते आप किस चीज के लिए हो, खेलते आप हो प्राइजेस जीतने के लिए। तो अगर आप लोगों ने कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया, आपने उन क्वेश्चंस को सबसे जल्दी आंसर किया, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलने वाला है IFAS की तरफ से। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया सर, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, यू आर ऑसम, थैंक यू सो मच राज, थैंक यू सो मच, राइट। निकिता भट्ट सर आई ज्वाइंड क्वाइट लेट ड्यू टू माई कॉलेज सेमेस्टर, विल दिस सेशन बी अवेलेबल लेटर एट यूट्यूब, डेफिनेटली आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो आई होप कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से कॉन्टेस्ट को खेलना है, जो कि इस यूट्यूब सेशन का एक्सटेंशन होने वाला है, राइट। संगीता चौधरी कह रही है इंटरेस्टिंग सेशन, थैंक यू सर। काजल कह रहे हैं थैंक्स सर, आर यू एक्सीलेंट टीचर, आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो लास्ट में डॉट है कि क्वेश्चन मार्क के समझ नहीं आया, राइट। आप तो विराट कोहली जैसे दिख रहे हो सर, नाइस हेयर स्टाइल, थैंक यू सो मच, अगर ऐसा है तो फिर अच्छी बात है, राइट। चलिए तो आपसे मिलने वाला हूं मैं कल की क्लास के अंदर, कल 6 बजे आपके साथ मैं फिर से जुड़ने वाला हूं एक नई कॉन्सेप्ट को लेकर, और कल हम लोग बात करेंगे कि आखिर हाइड्रोजन एटम को आप लोग कैसे पढ़ते हो, राइट। हाइड्रोजन एटम क्या होता है भाई, हाइड्रोजन एटम आपके पास होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन एटम की, तो उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और यहां पर होती है आपके पास ऑर्बिट, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये कैसे रिवॉल्व करता है, क्या क्या चीजें आपको यहां पर याद रखनी होती है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे होंगे, राइट। उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे होंगे। सर इसी तरह ग्रुप थ्योरी का भी क्लास लेकर आओ,
सर प्लीज देखिए, बिल्कुल लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इस वीडियो के सेशन के खत्म होने के बाद जो नीचे कमेंट बॉक्स है, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आपको कमेंट करना है कि आपको क्या चाहिए और किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, राइट। तो आपको वहां पर कमेंट करना पड़ेगा, जो भी आपकी डिमांड होगी IFAS डेफिनेटली उन कमेंट्स को देख रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही लेक्चर्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स मैं खुद बना रहा हूं, मुझे ऊपर से बताया जाता है कि स्टूडेंट क्या डिमांड कर रहे हैं, उसके हिसाब से लेक्चर्स आता है और वो लोग देखते हैं कि कमेंट सेक्शन के अंदर क्या है। तो डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करना है कि आपको कौन से टॉपिक चाहिए, साथ में आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और कल का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले डेफिनेटली आपको जुड़ना है मेरे साथ और आपको सीखना है कि आखिर हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मूव कर रहा होता है, राइट। राज कह रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का भी ले आइए प्लीज, डेफिनेटली लेकर आएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म का भी लेकर आएंगे, सारे के सारे टॉपिक लेकर आएंगे। बस जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आपको नीचे कमेंट करना है, अगर आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली हमारे पास लेक्चर्स के आ जाएंगे चीजें और बाकी सारी चीजें वहां पर हो जाएंगी। राज कह रहे हैं IFAS इज ऑसम, डेफिनेटली वो तो है ही, राइट। चलिए तो आपसे मैं जुड़ूंगा कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जैसा कि IFAS सारी फैकल्टी बोलती है, हैप्पी लर्निंग, खुश रहो और पढ़ते रहो। आपसे मिलूंगा मैं कल शाम को 6 बजे एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर, लेकिन आपको कल आने से पहले कॉन्टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना है, अगर आपने आज तक नहीं किया है तो कर देखो, डेफिनेटली आपको मजा आएगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।